फरीदाबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अवतार भड़ाना के समर्थन में आज जजपा व बीजेपी समर्थक करीब 14 पार्षदों ने कांग्रेस दामन थाम लिया है, जो झटका अवतार भड़ाना और कांग्रेस के लिए एक संजीवनी साबित हो सकता है। इस मौके पर कांग्रेस के प्रत्याशी अवतार भड़ाना ने कहा कि बीजेपी में भगदड़ मची हुई है। हतीन के भी पार्षद, पलवल के भी पार्षद बीजेपी का मुंह त्याग कर कांग्रेस में शामिल होंगे और आज होडल में भी 14 जिला पार्षदों कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इन सभी पार्षदों को बीजेपी व जजपा में कोई मान सम्मान नहीं दिया, लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी इनको पूरा मान सम्मान देगी। वहीं अवतार भड़ाना ने कहा कि फरीदाबाद लोकसभा की जनता एक बार और मुझे मौका दे, अगर जनता मुझे जिताकर भेजेगी तो 10 दिन में हरियाणा का तख्ता पलट दूंगा। कांग्रेस गरीबों की पार्टी है, कांग्रेस ने गरीबों के हित में 12,000 हर महीना देने का काम करेगी ताकि कोई गरीब भूखा ना रहे। वहीं बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार और यूपी में बीजेपी का रथ रोक दिया है और अब हरियाणा में भी बीजेपी हार रही है और हमारी सरकार बनने जा रही है, बीजेपी 150 सीटों पर ही सिमट कर रह जाएगी। वहीं भड़ाना पर हरियाणा को नॉन जाट वाले बयान पर छेड़छाड़ करके कांग्रेस को बदनाम करने के आरोप पर कहा कि मैंने ये कहा था कि हरियाणा मुख्यमंत्री ने कहा था कि हरियाणा को नॉन जाट बना दूंगा, तो मैंने कहा था कि जब हरियाणा को नॉन जाट बना दो तो इन जाट समाज को कहां भेजोगे, क्या पाकिस्तान भेजोगे। लेकिन मेरे इस बयान के साथ विपक्ष ने छेड़छाड़ करके मुझे बदनाम करने की साजिश रची है, लेकिन जनता सब समझती है तो बीजेपी का तो ये काम है। पहले तो धर्म के नाम पर लड़ाई थे और अब जाति के नाम पर लड़ना चाहती है। अब मामा तो यहाँ से भाग गया है और हमारी सरकार आने दो, ना तो मामा मिलेगा ना भांजा। अब 5 साल के बाद जो बातें करी है, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि आप मुझे फिर से एक मौका दें और मजबूती से जीतियो, जो कि दिल्ली में मेरी ताकत बढ़ जाए और वह ताकत से हरियाणा की सरकार का, इन चोरों की सरकार का तख्ता पलटने का काम कर दूंगा 15 दिन में। कार्य तुमने देख लिया जैसा कुछ है और जो अधूरे कार्य है या तख्ता को भैया ने कह दी या जो रोड की जो अड़चन है थोड़ा सा तुम सहयोग करियो, सब मतलब चले खड़े हो जाए या रास्ता बटो ना क्यों जबरदस्ती बनवा रहा हो, ये मेरे खेतर में का जा रहा हो। कांग्रेस ने कहा कि हमेशा गरीबों की पार्टी रही है, कांग्रेस के राज में आजादी के बाद से लेकर उसके घर के जो माँ बहने हैं वहां महिलाएं उनके खाते में जाएगी, जिससे उनके बच्चों को भूखा ना सोना पड़े, उन्हें 12,000 रुपया हर महीने उनके घर के खर्च को राहुल गांधी के और सरकार के खाते से हर गरीब के घर जाएगा। चुनाव पिछली और तुमने ना पीछो बता दो, मैं यूपी में गया, ए बिहार यूपी ने रोकवाई को रथ
औधा कर दिया है। 100 सीट तो बिहार और यूपी यूपी में हारेगी मोदी, और कम से कम 50 ही हार जाएंगे हमारे आसपास कर, और तब मोदी जीता जाओगे 150 तो ऊपर में आ गए। हरियाणा के जीतते ही छठे 150-160 के करीब टिकेंगे, आपका राज बनेगा। और भैया रे अमन चैन से भाई बिरादरी में इतने ऐसे है तो इतने लुकाए नॉन जाट स्टेट बनाऊंगा। ए मुख्यमंत्री जी, ये कोई भाषा के किसी मंत्री मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का होता है, एक समुदाय एक समाज के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, मैंने उस पर आपत्ति करी तो यूं कह रहे हो तो पंजाबी के खिलाफ बोल रहा हूँ भटोलो। ए बाबा मैं पंजाबी के जात के खिलाफ ना बोलो, मैं तो न्यू बोल रहा हूँ कि भाई खट्टर साहब इन जाटों ने तुका पाकिस्तान भेजेगा। मैंने किसी जात बिरादरी का नाम नहीं हो, न्यू कहा एक समाज है ये पहुंचे ले जाए नॉन स्टेट तो तेरे राज बना दियो। ऐसे ही इन्होंने राज पहले धर्म के नाम पर लड़ावे, अब जाति बिरादरी में फाटन कर लियो जाट और नॉन जाट। ये पूर्ण सी परिभाषा जी जाट और नॉन जाट के एक मुख्यमंत्री के लिए। और भैया रे रोहतक में जो कुछ हुआ वो तुमने सामने देखा, उसके बारे में उदय भान जी ने बताया नहीं बता देंगे। उस आयोग की रिपोर्ट ने सिद्ध किया कि बीजेपी के लोगों ने ये रोहतक में दंगे हुए उसमें उनकी सेठ मिनिस्टरों की सरकार की सत्ता तक तार जुड़े, इसलिए वो रिपोर्ट नहीं उजागर करी। और जो आज हमारे कितने बालक मारे गए वहां और कितने जेलन में सड़ रहे हैं। भैया रे जा दिन मारो राज बनेगा ना वादी नेक तो बालक जेल में ना रहेगा, अब कोई दोबारा से जाट और नॉन जाट की बात ना करेगा। ये भटोला जीत रहा तो मामा कहीं जगह तलाश रहा गायब है गो, मीडिया पे बोल रहा हूँ मैं, पूछ नहीं जो मामा को पता को है मामा। और भांजे भैया 12 तारीख को मेरे जीतते ही सरदारो इन मामा को मामा भी पागो गई और भांजे दोनों ने घुटड़िया चलवा दी।